आप देख रहे हैं शुभ समय न्यूज चैनल हैदराबाद तप्सा सोलंकी की रिपोर्ट। होली गीर नृत्य। हैदराबाद की धार्मिक नगरी तेलंगाना की धरा पर सामीपेट मंडल स्थित प्राकृतिक वातावरण में बसी श्री आई जी गौशाला में हर वर्ष की भांति होली के दूसरे दिन होली मिलन एवं चंग की थाप, ढप की गूंज, ढोल थाली की धुन पर रंगारंग राजस्थानी गीर नृत्य विभिन्न क्षेत्रों से प्रवासी बंधुओं की गीर टीमों के नृत्य व राजस्थानी समाज के सानिध्य में 24 मार्च को भव्य रूप से आयोजित किया गया। पूजा अर्चना व दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए अध्यक्ष मोहनलाल मुलेवा ने पधारे सभी गो भक्तों का होली की शुभकामनाएं देते हुए आभार प्रकट किया। इस टाइम हम सामीपेट मंडल की श्री आई जी गौशाला में है, जहां पर होली के बाद में बहुत ही धूमधाम से एक रंगारंग कार्यक्रम होली महोत्सव के रूप में मिलन का मनाया जाता है, जिसके अंदर विभिन्न क्षेत्रों की 10-12 गैरें आती है और राजस्थानी वेशभूषा में अपना रंगारंग कार्यक्रम पेश करती है। आज हमारे बीच में आई जी गौशाला का अध्यक्ष मोहनलाल जी मुलेवा है, हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस तरह का जो होली का धूमधाम का जो महत्व मनाया जाता है उसका मनाने का उद्देश्य क्या है। मोहनलाल जी मुलेवा, श्री आई जी गौशाला में हर साल हम होली महोत्सव धूमधाम से मनाते हैं और सारे 37 को हम यहाँ पर आते हैं और बहुत ही धूमधाम से ये होली महोत्सव मनाया जाता है। नागरम धमईगुड़ा की गेट टीम ने राजस्थानी वेशभूषा में चंग की थाप पर रंगारंग गीत नृत्य पेश किया। गायककार विष्णाराम सुता ने बाबूजी महाराज के फागुनी गीत पेश किए। युवा गैरिये लक्ष्मण आलोक सोलंकी ने शानदार नृत्य पेश करते हुए गो भक्तों का भरपूर मनोरंजन किया। मुख्य अतिथि बतौर शिवसेना अध्यक्ष टी मुरारी ने भाग लिया। कुतुबुल्लापुरम, जिड़मिल्ला, चेलापल्ली, मल्लापुर, रामंतापुर, नाचाराम, कोरुमुला, जगदगिर गुट्टा व सुरारम की टीमों ने भी शानदार गीत नृत्य पेश किया। करीब 10,000 के पास पधारे गो भक्तों ने महोत्सव का भरपूर आनंद लेते हुए माँ प्रसादी का लाभ लिया। कार्यक्रम में गौशाला के सभी सदस्यों ने सहयोग दिया। पारसमाल शर्मा, मोतीलाल, कालूराम, पुष्याराम, कानाराम, जगदीश काक, ओंकारलाल, मोहनलाल हमर, लालचंद, बगाराम मुलेवा, हुक्माराम सानपुरा, प्रकाश सोयल, कालूराम, छेल सिंह राठौर, धर्माराम डाका, सोन सिंह राजपुरोहित, लक्ष्मण सिंह राजपुरोहित व बहुत से सम्मानित अतिथियों ने महोत्सव में भाग लिया। मंच का संचालन कालूराम काग ने किया। कार्यक्रम की सफलता पर शुभ समय न्यूज चैनल के रिपोर्टर पर्व सोलंकी ने अध्यक्ष मोहनलाल मुलेवा, कालूराम काग, मंगलाराम पवार व शिवसेना अध्यक्ष से राज जाने की कोशिश की। हमारे बीच में छेल समाज के पूर्व अध्यक्ष श्री कालूराम जी कहा गया, उनसे मैं विषय जानना चाहूँगा कि जिस तरह से ये धूमधाम से और प्रवासी बंधु और सब मिलके आईजी गौशाला के अंदर सभी प्रवासी बंधु आज विभिन्न वेशभूषा में पहुँचाते हैं और भारतीय संस्कृति को जिंदा रखने के लिए होली के बाद में जो धूमधाम का कार्यक्रम मनाया जाता है उनके पीछे क्या उद्देश्य है, हम कालूराम जी कहा से ये जानना चाहेंगे। ये हमारा राजस्थान का जो गेर नृत्य है होली का प्रोग्राम, हम बस राजस्थान से यहाँ के भी हमारा संस्कृति कार्यक्रम हम यहाँ लेके आए हैं और आज हम जिस गौशाला में पधारे हैं हम एक ही सोचते हैं कि गायों की जान बचाने के लिए ही हम गौशाला में पूरी टीम गेरों के नृत्य, हम पूरा हैदराबाद में से पूरी 37 कौम की गेरा आती हैं, सीधी समाज नहीं है, कुमाऊं समाज, राजद्रोही समाज और 37 कौम हमारे पास यहाँ आके और आई जी गौशाला में सेवा देती हैं और ये रंगीला राजस्थान, ये संस्कृति हमारा आज से नहीं है, जब से हमारा यहाँ जो धरती पे जो पैदा हुई है जब से ही हमारा राजस्थानी का कार्यक्रम चलता जा रहा है। मैं इसके लिए पर्वतोपी जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे समय निकाल कर यहाँ पधार कर और हमारा न्यूज ले रहे हैं और हमारा राजस्थान की शान और बान कर रहे हैं और राजस्थान का सापा और मान यही शान है और सभी को मैं एक बार बोलता हूँ, देव लगाऊ महादेव की।